अध्ययन मंत्रा के youtube चैनल पर अध्ययन मंत्रा के youtube चैनल पर आ गया आवाज है ना जी नमस्कार स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के youtube चैनल पर आप हैं स्टेक बच्चा पार्टी हम हैं रोहित वैदवान और कुल मिलाकर स्वैक के साथ ये है अध्ययन मंत्रा और हम सब हैं अध्ययन मंत्रा जी तो क्या हाल चाल आपके संडे वार्तालाप की यह शाम है शाम के बज चुके हैं 9:10 माइक टेस्टिंग जरूर हो जाती है मेरी पहले है ना आ, रिया सिंह जी दोनों सर ले रहे हैं बेटा हमने एक एडवांस चीजें दी हैं आज मैंने बताया था ना कि यूपी के लिए जो टीचर्स हैं तो वहां से भी कुछ टीचर स्पेशल उस बैच में ऐड किए गए हैं आप लोगों के लिए तो जो टीचर हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है वहीं की यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ ताकि आप और अच्छे से जाने ये लो भाई दोनों हाथों से स्वैग है है ना बेटा एक हाथ से स्वैग इसलिए होता है क्योंकि एक में मार कर रहती कलम कलम वाली देवी नहीं कलम है बस ये कलम इसका खेल है बस है ना जिसको सँभालने आ गई या तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है या उसके अंदर बड़प्पन आ जाता है या भाई उसे वो काम काजी नौकर बना देती है दो तीन चीजों में सहन सर आज तो बस बात होगी हाँ यार पूरा हफ्ता ना इतना काम कर लिया मेरे को लग रहा मेरे को तो ये पता ही नहीं चला छुट्टी भी कोई नाम की चीज है कल सुबह फिर उठ के लग जाएंगे काम पे है ना सर जी एमपीटेट मैराथन भी स्टार्ट करो वहा जान ले तुम एक काम करो मेरे को अपने घर बुला लो यार है ना बुला लो मैं आऊ है भेज बता दो बता दो वहीं आ जाऊँ मैं वहीं पढ़ाएगा पूरे पूरे दिन बस एक थोड़ा सा इतना सा मैं खाता हूँ इतना सा आ, सुबह को जल्दी उठ जाता हूँ रात को लेट सोता हूँ एक दो कप चाय की जरूरत पड़ेगी दिन में और क्या पड़? वैसे मेरे कोई शौक़ नहीं है उल्टे सीधे और क्या जरूरत पड़ सकती है पानी पी लेंगे दो टाइम की रोटी चाहिएगी दो टाइम में भी एक ही टाइम मिलती है सॉरी वो शाम की रोटी दे देना हमें बस है ना तो बता दो भाई किस किस के घर आ जाए वहीं बैठ के दे दिया करेंगे देखो इतना छोटा तुम्हारे बजट में आ जाएंगे हम बिल्कुल जैसे तुम कहते हो ना सर फीस कम रख लेना मैं बिल्कुल बजट में आऊंगा तुम्हारे एकदम है न एकदम चिड़िया जाना आ, मेरी मम्मी कहते हैं चिड़िया है, जितना ही खाता हूँ मैं सुबह खा लिया तो शाम के मनी शाम खा लिया तो सुबह का मना है ना ऐसे नमस्कार 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 सर फिर करे इग्नोर पता नहीं क्या बात कर दी भाई पता नहीं लगा बेटा सर जी मैराथन चला इंग्लिश पीजीटी वाले भी क्या हो क्या हो गया तूने मैसेज लिया हाँ, अच्छा ज्ञान का भंडार खाने के पागल पापी पेट पापी पेट के चक्कर में तो दुनिया इधर से उधर हो रही है तुम भी कमाल करते यार छप्पन भोग खिलाएंगे अब अगले छप्पन दिन में खा पाऊंगा छप्पन भोग में सड़ जाएगा तुझे लग रहा है अगर मैंने छप्पन भोग खा लिया तो मैं उठ पाऊंगा ना 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 इंसान को अपनी हैसियत तो और अपनी वो पता होती है ना अपने कहावत है जितनी चद्दर उतना पैर हम नहीं दो रोटी खा के सुबह अपने टाइम से दौड़ जाते हैं है ना कितना खाते है सर ये बॉडी बता रहे है आपकी थैंक यू थैंक यू देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती वाली के है ना हम्म ठीक है तो चलो सर आप चिड़िया नहीं चिड़ा हो ओहो हाँ वीणा ये भी बात सही कह है सकते हैं जब जिसको थोड़ी बहुत चिड़न हो गई चिड़िया हो चाहे चिड़ा हो लेकिन जो चिड़ रहा हो उसकी यहाँ जगह नहीं होती आज के दिन क्योंकि आज के दिन पढ़ाई वढ़ाई की कुछ बात नहीं होती वैसे ही पूरा दिन पूरी रात ऐसा लग रहा है कि अंदर ना कंप्यूटर से चलता रहता है सुबह को सोचता हूँ कौन सी पैटागोजी की क्लास लो शाम को सोचो आज क्या पैटागोजी में पढ़ा ले कल क्या पढ़ाएंगे फिर परसों सोचा जाता है यार वो क्वेश्चन तो करा लिए थे अगले क्वेश्चन कब होंगे तो ये बहुत महाभारत है यूट्यूब एकदम एक नंबर का है ना मेरा फेवरेट फूड कौन सा है मेरा पसंदीदा खाना है घर का ही खाना मतलब बाहर का इतना पसंद नहीं मेरे को वो तो पापी पेट है कभी कभी ना जीव ललचा जाती है किसी चीज को देख के परसों तो एक कले हो गया मेरे साथ जिंदगी में परसों कल हुआ हाँ कल ही तो हुआ है कल ही तो हुआ है चलो कल तुमसे क्या छुपाना तुम्हें बता देते हैं तो कल हुआ ये वाला कि खाना तो खाया नहीं था दिन में तो शाम को भूख लगी और भूख लगी तो छोटा भाई था बड़ा भाई भी आया हुआ था उन्होंने कहा चलो बाहर से कुछ मंगा लो तुम्हारे हमारे यहाँ बार में बाजू में एक दुकान है बढ़िया वाली तो उसपे स्प्रिंग रोल्स मिलते हैं अच्छे वाले हमने स्प्रिंग रोल्स मंगा लिए हम वेजिटेरियन पक्के वाले तो वेजी वो खाने लगे भाई और जब खाने लगे तो बढ़िया बड़े एकदम चाव के साथ क्योंकि पेट भूखा था बेचारा और भूखा था तो उसने खाना शुरू किया तो स्प्रिंग रोल खाए एक स्प्रिंग रोल खाया बड़ा जबरदस्त स्वाद लगा भाई एकदम चटपटा सा एक और खा लिया उठाए गलती से और जैसे वो उठाया गलती से तो टेस्ट बड़ा अजीब अजीब सा लगा और फिर थोड़ी देर में जब देखा मैंने टेस्ट ओए होए माथा ही खराब हो गया फिर पेट में गुटर गुटर हुई क्या गुटर गुटर हुई वो चक्कर हुआ कि उसने ना वेज वाले में नॉन वेज मिला के दे दिया और वो नॉन वेज मिला के दे दिया फिर तो होना था कलेष जिंदगी में भाई अब वो नॉन वेज वाला खाया तो दिल कह रहा था वोमिट कर दे दिमाग कह रहा था क्या फर्क पड़ रहा चला तो गए पेट के अंदर और थोड़ी देर दुकान वाले से मैंने कहा भाई तू नहीं है क्या कलेश कर दे मेरी जिंदगी में तू जान रहा पक्का ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं सॉरी पक्का वेजिटेरियन आदमी हूं मैं यहाँ पे तो कहने लगा सर गलती होगी अब उसकी नौकरी चली जाती तो फिर मैंने सोचा चल यार छोड़ चला गया तो चला गया पेट में बाकी भगवान जी से हाथ जोड़ ले भगवान जी गलती से गा ले माफ़ करियो हमारे यहाँ कहावत है क्या नाम बोलते हैं हाँ भूल चूक लेनी देनी तो भगवान जी से भी बोल दे भूल चूक लेनी देनी बस भगवान ने माफ कर दिया होगा नहीं करेगा तो भाई उसके पास जाएंगे उस दिन हिसाब किताब कर लेंगे उसके पास जाके है ना तो ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी सही बात सुपर टेट क्लास डैशिंग बॉय अभी तो मेरे बच्चे सुपर टेट के अरे अभी बता दूंगा मैं उसके बारे में चिंता ना कर मेरे बच्चे सुबह के सुबह एक चीज आएगी बहुत बढ़िया है हा? सपनों में क्लास मेरे को ये लगता है कि दिन रात किसी टाइम उठा दो फिर मैं यही बोल रहा हूँ नमस्कार स्वागत आप सभी का दिनवंत्र के यूट्यूब चैनल पर मैं रोहित वैदव है बेस्ट एक बच्चा बर्थडे भगवान का समय इसके अलावा कोई दूसरी लाइन ही नहीं आती जल्दी से इसी चक्कर में ये हो गया मेरे को तो लग रहा है यही सब कुछ हो गया मेरा है ना

सीटेट की टेस्ट सीरीज कब शुरू होगी वो पोर्टल में शायद आ गई है, है, है बाकी शुरू होगी बेटा पच्चीस से ना साहब बढ़िया पहले कहते हैं शीतल शर्मा सारे मैसेज पढ़ूगी एक दो छोड़ दू सी टेट मैराथन कब शुरू होगा अभिषेक पांडे वो जल्दी शुरू होगा अभी नहीं अभी बेटा एक बार एच टेट और एमपी टेट निकल जाए उसके बाद देखेंगे अभी उसमें नहीं कुछ सोचा ना आ, तो ये नहीं मतलब उसको धीरे धीरे शुरू करेंगे अभी इतनी जल्दबाजी कुछ करनी नहीं है बहुत टाइम है यार उसके लिए सी के लिए तो अभी सवा एक महीना दस दिन तो पूरे पूरे ही पड़े हैं आराम से है ना हाँ ठंड बहुत हो रही ना वी आर होट तो वी आर नॉट फेसिंग क्या बोलता है उसको ठंड नहीं फेस कर रहे हमने मनाली में ठंड नहीं मानी बेटा मनाली में चल रहा था माइनस एट वाला हम राफ्टिंग कर रहे थे वहां पे शीतल शर्मा जी कहते हैं जैन सर सर आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हो सर आप हमें नालायक बोलते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम भी आपके सबसे नालायक हैशटैग टैग बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच धन्यवाद देखो नालायक ना दिल से निकलता है और जब निकल जाता है तो मैं सोच के नहीं बोलता कि नालायक का मतलब क्या होता है बस ऐसे ही चलता रहता है है ना और तुम देखो पूरे हफ्ते देखते हो सीरियस वाले को एक संडे वाले दिन में तुमसे मिल लेता हूँ तो मेरी भी बड़ास निकल जाती है वो इरिटेशन सा नहीं होता अंदर से कुछ 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 सा चलता रहता है कि आज क्या बोले क्या ना बोले फिर संडे वाले दिन आगे मैं चिल्ल हो जाता हूँ मेरे को लगता है बस और नेकी कर दरिया में डाल तो संडे वाले दिन मैं नेकी करता हूँ पूरे हफ्ते दरिया एवीएस इंटरव्यू से आता है यार एवीएस इंटरव्यू का बैच शुरू करना था लेकिन अचानक ही आ गया ना हम क्या बोलते हैं इसको एच टेट और एमप्य तो इसने ना बिल्कुल शेड्यूल ही बदल दिया इधर ने बिजी हो गए क्लास में है ना सर भगवान आपको दंड नहीं देंगे आप हमारे लिए सब कुछ करते हो अच्छा धन्यवाद आबाजी धन्यवाद 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 हाँ तो वहाँ है इसलिए सर मेरा भी मैसेज पढ़ लो सत्यम वैद्वान जी ओए हो तो वैधवान फैमिली का बंदा है सत्यम ओ भाई गांव में ठीक ठाक सबको राम राम बोल मेरे भाई है ना गांव में जाना नहीं होता तो मेरा दोस्त वहीं पहुंचा देना सर स्वैग से राम राम आपको गुरु जी मैंने आपसे पढ़ने के लिए अध्ययन मंत्रा ज्वाइन किया था बट ड्यू टू कोविड हमारी क्लास पूरी नहीं हुई कोई बात नहीं फिर भी मैंने आपकी वीडियो से बहुत अच्छा सीख लिया बस मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प या मोटिवेशन चाहिए कि मैथ्स पैटा इंग्लिश पैटागे मैं मार्क्स नहीं बनते प्लीज बता दो सर जी कहाँ से और कैसे पढ़ू प्लीज मेरे बच्चे चिंता ना कर बस एक बार इकतीस तारीख इनका स्टेट वाले को निकल जाने दो फिर तुम देखो तुम्हारी कैसे पेड़ागोजी में पेल करता हूँ मैं ना वैसे कहते हैं पेड़ागोजी में पेल देंगे तो वही वाला काम चलेगा हाँ सबका मैसेज पढ़ेंगे चिंता ना करो तुम लोग बच्चा पार्टी में नाकिस मेरा ओहो बड़ी पहले ही आ गया आज तो लड़के देखो कैसे फोटो खिंचवाया इस लड़की ने ऐसे करके खिंचवा रखा फोटो भी है हाँ सही है हेलो सर जी सर समझ नहीं आता आपको कमेंट में क्या लिखूं लिख तो दिया बेटा तुमने बहुत बड़ा सर आप की पिकिंग गो, गो, सही है आज तो आप जैसी सी डी पे आज तक मैंने किसी को पढ़ाते हुए देखा हो अच्छा तो इतनी जगह चक्कर लगाए थे तो नहीं कि बेटा तेरे को देखने की जरूरत क्या पड़ी थी है ठीक है देखा लव यू एम धन्यवाद आप बहुत ही ऑनेस्ट प्योर और काइंड ह्यूमन बींग हो और हम सारे लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो आपसे मिले थैंक यू अलोड सर और इंग्लिश पैटागोजी भी चैप्टर वाइज पूरा कराएगा। ओए होए लालची मतलब तारीफ कर दी लेकिन अपना काम पूरा कर दिया तो so कौन, कौन आया रुचि तिवारी जी मीनाक्षी जी एक तरफ बोलती हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखे और इतना सब कुछ मीनाक्षी बेटा इसके मैसेज को लाइक नहीं आपके मैसेज को लाइक है आपने सही पकड़ा बिल्कुल है ना हाँ तो ये कमाल करते यार तुम तो बस कुछ नहीं आने पर लिखा इतना सब कुछ ये भी बात सही है कुछ ज्यादा लिख देती तो लड़की पता नहीं भाई क्या लिख देती तुम्हारे मैसेज मैसेजे ना पढ़ पाता मैं हाँ सही है तुम लोगों का एकदम मजे आ रहे हैं ना जीवन सही चल रहा है लालच है तो लालच भी आ गया और उसके बाद आकांक्षा यादव जय हिंद सर सर मैंने घर वालों से गुस्सा हूं ओहो मेरे से काम कराते हैं भाई घूमता है अच्छा अच्छा एक बात बता आकांक्षा अगर तुझसे मेरे बच्चे इतना काम कराते हैं और तू हर टाइम ऑनलाइन क्लास में मिल जाता है तो ये तो टैलेंट तेरा मुझसे भी ज्यादा बड़ा है ना मतलब ये वाली बात है कि मतलब पूरा हाँ हर क्लास में तो महाकांक्षा अच्छा का मैसेज देख लेता हूँ ये तो मैंने हर बार देखा है और उसके बाद ये लड़की काम भी कराते कोई नहीं काम करने से इंसान ना मजबूत बनता है तो काम करते ब्रो सब पूछ लो केवी जॉब कब आएगा विश्व रंजन मिश्रा जिस दिन आएगा बेटा सबसे पहले बताऊँगा जिस दिन हल्की सी भी खबर मिल गई ना उसी दिन बता देंगे तो ज्यादा टेंशन मत लिया अरे यार एक दिन संडे में भी जॉब के चक्कर में पड़े हो बताओ है सब मोम आया मेरे दोस्त कुछ नहीं रखा है इनमें क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे है ना बस क्या लेके जाओगे बहुत कुछ लेके जाओगे याद रखना दुआएं लेके जाओगे फिर है तो आकांक्षा जी कोई बात नहीं काम वाम करते रागरो रो अहो अरे अक्कू तू मना कर दे मैं ना काम करूं और परेशान वो तो हमारे पास आ जाना ठीक है हाँ और और सीख दे मनी बेटा इसको कुछ काम ना करे अच्छा क्या होगा काम कर लेंगे तो कुछ जरूरी है ये बदलेगी भावना की भाई नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी मैं नहीं करूंगी तो ठीक है मम्मी तो उस पर ज्यादा भरोसा करती होगी बेटा काम कर ले तो इसलिए है ना तो पढ़ कर लिए अगर काम में क्या दिक्कत है बहुत बड़ी बात है तो ज्योति कहते आकांक्षा जी इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है भाई आपसे छोटा है तो थोड़ी मस्ती करना तो बनता है और प्यार से घर वालों और भाई को समझाने की कोशिश कीजिए कि पढ़ने के लिए भी वक्त दे मेरे साथ साथ आपका भी नाम होगा अगर मैं कुछ अच्छा करूंगी तो काम ये पक्के नेता हैं ये लोग जिन्होंने ये मैसेज किया है ना ये लड़की कौन है देखें ज्योति किरण मेहता ये पक्के गुण है इसके अंदर लड़की के अंदर पॉलिटिक्स वाले हैं इसके अंदर चीजों को संभालने वाले इनका घर गर गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी ये संभाल लेगी कोई बात नहीं चल हो जाता है कभी 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 नो? तो चल जाता है ठीक है बहुत बढ़िया नेत्रा आप परेशान को यही टाइम होता है जो बाद में याद आता है बाकी कुछ नहीं रहता जिंदगी ओ हो अरे ओहोति ओ हो, ओ अरे उसको उसको तुम लोग फालतु में देखो एक बीच के बाद मतलब तुम भी कमाल हो एकदम विल्ले हो तुम है खाली एकदम जिसे कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं भाई भाई को छोटा है तो भाई से प्यार करो कोई बात नहीं हो जाता है ठीक है सर एस्टेट मैराथन रोज हुआ करेगा नहीं बेटा रोज हा पगले रुलाएगा इतना बात कर गए रोज कैसे ले लेंगे भाई रोज और भी क्लास पढ़ानी होते हैं भाई समझा कर बोझ मेरे अच्छे अमित शुक्ला कहती है मैं रेखा शुक्ला के नाम से मैसेज कर रही हूँ जैन सर सर एक रिक्वेस्ट है कि इकतीस जनवरी तक ऐप पर जो यूट्यूब पर साइंस पैडाकोजी की डेली क्लास लगवा दीजिए अरे लड़कों लड़कियों बालक बालिकाओं नालायक नालायक ना मैंने तुमसे कहा है जो क्लास में रोक देता हूँ उसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ वो होगा क्या बोलता है उसके पीछे राज होगा तो उस राज को मत खुलवाया करो अभी क्लास रोकी हुई तो उसके बारे में जानकारी लिया करो कि क्यों रोकी हुई है जब पढ़ाने को जब YouTube पे पढ़ा सकता हूँ तो जो भी आएगा आराम आराम से आएगा चिंता ना किया करो तुम तो है ना ओके फिर भी करा देंगे तुमने तो बात बोली है तो रश्मि वर्मा कहती है वेरी कोल्ड गुड इवनिंग सर लोट फॉर ऑल द टीचर सर मुझे आपसे पूछना था कि टीजी और सुपर टेट क्लैश तो नहीं हो कर जाएंगे आपस में वैसे मैं आपको सब पता है आई नो और एक बात कहनी है आपसे पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं आपसे क्या छिपाना बता देते हूँ पहले मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट को फॉलो करते थी अच्छा ये तो वो वाला एडवर्टाइज है पहले मैं ये किया करता था मैं ये करने लगा ओहो फॉलो किया करती थी यूट्यूब पर जब से अध्ययन से मिली सुबह शाम इसी में चली गई और इसी चक्कर में मैंने -Math का कोर्स भी खरीद लिया अपना ध्यान रखिए खुश रहिए फॉर ऑल अध्ययन धन्यवाद रश्मि और आपका तो आप अध्ययन मंत्र पाए इसके लिए स्वागत ओहो आज तो बड़े दिनों बाद संगीता सिंधे मिल गए पुणे वाली हमें नमस्ते सर जी आपके साथ बात करने के लिए संडे को इंतजार रहता है ओहो फिर मन में ख्याल आता है ठीक है क्या क्वेश्चन पूछूं वैसे तो कुछ क्वेरी नहीं है फिर भी बात करने का मन करता है वैसे आप बहुत अच्छे हैं सब ख्याल रखते हैं आप भी अपना ख्याल रखिएगा सर थैंक्स अ लॉट वाल एफर्ट लव यू ओके धन्यवाद आप भी बस खुश रहे मुस्कुराते रहे ऐसे रखियो सर तुम्हें हंसी आ रही अरे देखो तुम ऐसे मत सोचा करो मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ वैसे हूं मैं इतना तो बता रहा हूँ लेकिन फिर भी ना मजाक वजाक कर लेता हूँ है ना जिंदगी में गम कितना ही हो लेकिन किसी को मौका नहीं देना चाहिए पूछने का कि भाई क्या हो गया तेरे को तो इसलिए तुम भी रखो आराम से किसी को नहीं अरे कुछ क्लेश नहीं होगा है ना हमारे पास दुख भी होगा तब भी सामने वाला और उसमें क्या कहते हैं आग में घी डालने वाला काम कर जाएगा इस पूनिया जी किसे बोल रहे हैं यहाँ ये पूनिया कौन आ गया भाई मेरे सामने जो आ रहा है मैं उसको बताऊँ सर कैसे रीड कर रहे हैं वैसे है ना उसके बाद देखेंगे भाई अगला तुम ये सोच रहे मैं आज नशे में हूँ ऐसा मत सोचना भाई है तो बात तो ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने आज तक है ना हाँ आगे मनी भी आगे मनी के नाम में इसको ना सही है मनी अपना सपना मनी मनी है हाँ, ऐसा होगा फिर तो मनी मनी तो पैसा होता है वैसा है ना हाँ तो ये गाना याद आ गया मेरे को जैन सर नानी नानी बूंदों से अपने जो, अच्छा नन्नी नन्नी बूंदों से अपने जो ये ज्ञान का सागर भर दिया है खामोश रहते हैं हम क्योंकि बिना बोले सब बोलने को काबिल कर दिया है कौन कहता है बिना पंखों के उड़ा नहीं जाता आपने तो हमें बिना पंखों के बादलों से भी ऊपर उड़ना सिखा दिया है आई रियली रियली यू सर एंड एंड थैंक्स टू ऑल टीम फैमिली बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर मैसेज के लिए धन्यवाद तुम लोग तो शायर हो गए मेरी तरह चलो तुम एक चीज दिखाता हूँ है ना तुम एक चीज दिखा देता हूँ सर मैं नशे में, और मुझे में न... मैं नशे में हूँ मुझ में नशा है ओए, -ओए। होए देखो तुम मजे ले रहे हो मेरे साथ आज हैं पर मैं भी चिंता ना करो गुरु तो तुम्हारा ही हूँ बेटा तुम मेरे साथ आज मजे लोगे मैं तुम्हारे साथ ले रहा हूं है ना हाँ नानी हाँ वो नन्नी नन्नी लिख रहा था नानी नानी पढ़ा गया जल्दबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना कभी कभी अब देख ले भाई जरा गया। देखो एक भाई परेशान हो गया भाई है कि बहन ही है तो मैं जानता नहीं डिसलाइक दबा के चला गया क्या मिला भाई तेरे को पता दिल को सुकून चल रख ले कोई बात नहीं खुश रहकर लेकिन जो भी है ना खुश रहिए भाई अब तेरे को अगर गुस्सा आके हंसी आ जाए तो उसने लाइक को बदल दिया बच्चा पार्टी में शिवानी शर्मा के हैं सर एक रिक्वेस्ट है आपसे आपसे प्लीज एक उत्तराखंड एल टी एक् साइंस ग्रुप केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड ज्योलॉजी के लिए एक बैच स्टार्ट कर दीजिएगा सर प्लीज 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 सर भी को जब बच्चा पार्टी को बस आपका ही समझ में आता है प्लीज सर मुझको ट्रस्ट है आप खुद जरूर करेंगे अपनी बेटा अगले हफ्ते में आ जाएगा चिंता न कर इस पर पूरा का पूरा काम चल रहा है है ना पूरा काम चल रहा है इस पे बच्चा पाटने पूजा कहते हैं सर टेस्ट सीरीज का टाइम क्या होगा प्लीज बता देगा, अगर दिन में होगा तो प्लीज सर सत्ताईस को बीपीएससी का एग्जाम है सुबह देना है शाम देना है जब दिल करे बस आराम से टेस्ट दे देना लेकिन शिद्दत के साथ देना ढाई घंटे में वाला तो उसमें कोई चिंता ना करना बिल्कुल भी ठीक है धनवंता ने रिप्लाई भी कर दिया योगिता भारद्वाज कहती हो कुछ परेशानी आ गई बालक को तो राधे राधे सर सर पोर्टल पर डाउनलोड की हुई क्लासेस नहीं चल रही है सर काफी दिन से बहुत परेशान हूं मैं सर कई बार बोला मैंने बट बत... कुछ होता नहीं बड़ी मुश्किल से क्लास डाउनलोड होती है सर और फिर चल नहीं रही है अब सर प्लीज प्लीज, प्लीज रिजोल्व दिस प्रॉब्लम वैसे मैं देख लो योग्यता ये वाला केस बड़े सालों बाद किसी का मैसेज मिला मेरे को देखने सर एच कैसे निकलेगा बहुत डर लग रहा है बेटा डर के आगे जीत है वैसे निकल जाएगा अभी चिंता के मान है ना निकल जाएगा निकल जाएगा तो एक मैसेज को एक बार क्या करो यार किसी का सबका दिख जाएगा लाइव टेस्ट बेट नेहा लाइव टेस्ट ही होगा वो इस बार बस आपके सामने टीचर नहीं होगा टेस्ट लाइव ही होंगे और उसमें आपको ना वो ढाई घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है देना है, हाँ जी हम है बिल्कुल ना। तो चिंता है उस बात को। कितनी बात हम एक कल जो यूपी हिंदी टीजीटी में फर्स्ट क्लास अपडोई है अलोक सर वाली अच्छा उसमें तो साउंड बहुत ही कम है प्लीज चेक ओके सर जी एंड नेक्स्ट के लिए एक बार सर से भी बोल दीजिएगा दूसरा केवीएस पासबुक बहुत ही अच्छी है पहले ले लिया होता तो नोट्स भी बनाने पड़ते नोट्स भी नहीं बनाने पड़ते कोई नहीं मेरे बच्चे जो जब मिल जाए तब अच्छा है योगिता का मैच है ना तो आपकी आवाज के बारे में हम बात कर लेंगे हाँ सर मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए कि मैं साइंस की प्रिफरिंग कैसे करूँ प्लीज एक्सप्लेन साइंस बेटा मेरे दिमाग में कभी आए नहीं बाकी जो टीचर है ना सियाजित सर पढ़ाते हैं कौशल सर पढ़ाते हैं बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं आप उसमें पढ़ते रहिएगा मजा आ जाएगा आरके गुप्ता जी कहते हैं गुड इवनिंग सर मैं एमपी स्टेट से मैंने हूँगरी से एक सौ पांच नंबर से क्वालिफाई किया है क्या मैं सुपर टेट में ये सर्टिफिकेट लगा सकती हूँ सर यूपी में जनरल कैटेगरी में हूँ शादी के बाद और जनरल से ही फॉर्म फिल करना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर कुछ होगा ना तो देखो तुम लोगों के लिए एक चीज और दिखा दू मैं ये देखो तुम एक नए नाम के साथ है तुम लोगों के सामने ये देखो है ना ये हाँ देखो ये है रीट जीत अब देखिएगा इस नाम का कॉम्बिनेशन भी आपको दिख जाएगा रीठ की जीत है और ये कमिंग सोन है अभी तक का जो बैच होगा तो रीट की जीत का वो बड़ी जल्दी मिलेगा तुम लोगों को तो उस पर आप लोग देखेंगे क्या है रीठ की जीत तो पहले तो इस नाम के साथ की कैसा नाम लगा बताइएगा जरूर है ना बाकी सर एम्पिटेट एग्जाम डेट फिर से बढ़ गया क्या भाई अभी तो नहीं बढ़ा और भगवान का समग्र बढ़ गया होगा ना तो मैं एक बार एमपी का चक्कर जरूर लगा गया इसमें ना है ना जी ठीक तो ये वाला रीट जीत बैच है भाई और रीट के लिए खास बात ये होता है कि आप इसके पेपर को देखे नौकरी के लायक बन जाते तुरंत ही तो रीट का जीत कोई नाम चुराना इससे पहले हमने इसको अनाउंस कर दिया है ना रीट की क्या है जीत है बड़ी मेहनत लगती है यार एक नाम सोचने में ऐसी बात नहीं है ना हाँ तो उसके बाद कुछ और भी था गया हमारे पास देखो एक चीज और दिखाऊंगा तुम्हें ये तो खैर तुम्हें पता चल जाएगा कल से लग जाएगा सीटेट की आपकी क्या है टेस्ट सीरीज सीटेट चैंपियन उसके बारे में सारी जानकारी ये भी है और ये देख अरे ये तो नोटिफिकेशन पढ़ लिया ये देखो एक कमाल की चीज तुम्हें तो मिलेगी जल्दी वाली में है ना तो जो सुपर टेट सुपर टेट चिल्ला रहे हो ना तो ये वाला सुपर टेट में सुपर सूचना अब ये सुपर सूचना क्या है इसके नीचे लिखा ना ज्ञान अधूरा सत्यानाश पूरा तो इसका टीजर लॉन्च होगा पहले पहले आपको मिलेगा इसका एक हल्का सा ट्रेलर टीजर उसके बाद आप देखेंगे इसकी सारी जानकारी कि आखिर क्या है सुपर टेट तो सुपर टेट में कुछ नए ट्विस्ट आए हैं और नए ट्विस्ट का रीजन मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे इस बार सिलेक्शन हुए थे तो उनकी जानकारी के आधार पर आप तक पहुंचेगा कुछ नई सूचना तो कल सुबह तो इसका एक टीजर आएगा उसके बाद इसकी पूरी एक न्यूज आएगी तब तक बने रहिएगा अध्ययन मंत्र के साथ चलिए इसी के साथ चलते हैं दोबारा से आपके संदेशों की तरफ कि आपने क्या संदेश भेजा है हमारे लिए तो संदेश में आगे बढ़ते हैं मिलती है वीणा ओहो इसने भी लड़की ने मैसेज भेजा प्रणाम रोहित सर इसने तो नाम को उल्टा पुलटा कर दिया शाबाश वीणा क्रिएटिविटी देखो तुम प्रणाम भी अलग रोहित में टी इंग्लिश का बाकी हिंदी का सर जी में से हिंदी का आर इंग्लिश का वो हो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखू बस जल्दी से केवीएस वैकेंसी आए और हम जॉब पे लगे और हम आपका और अध्ययन मंत्रा के नाम रोशन करें बहुत टाइम निकल गया ऐसे हाँ यार ये तो बात है केवीएस ने ना बड़ा रुलासी दिया मतलब केवीएस तो ऐसा हो गया कि फटाफट आ जाता तो फटाफट हमारे ना क्लेश कट जाते जिंदगी के है ना हम्म ये क्या होगा अब ओए होए बहुत योग्यता बता देंगे उसके बारे में चिंता ना करो ठीक है धन्यवाद जी वीणा जी बस दुआ करते रहो रोज भगवान जी को प्रसाद चढ़ा करो कि पटाफट -पट, पटाफट -पट वैकेंसी आ जाए जितनी जल्दी वैकेंसी आएगी उतना काम हो जाएगा सर प्रीवियस एयर भी कराइएगा उज्जवल सिन्हा जी बताइएगा कौन से कराने हैं मेरे दोस्त ठीक

जो आपको देखनी है ये रहा मैं आपको मेल दिखा देता हूं ये वाला एक जस्ट बस एक सेकंड रुकना सारे लोग एक मेल कर दू तुम लोगों को ताकि तुम्हें दिख जाए ए डी एच ये आगे भाई साहब मेल हाँ तो मेल आ जाएगा यहाँ पर तब तक है ना चलिएगा बिल्कुल मिलेंगे आगे धन्यवाद आपकी बात को सुना जाएगा मीनू जी एक तो सरसर एम एप पर कुछ क्लासेस प्ले नहीं होती और लो क्वालिटी पर कर दो तो कुछ दिखाई नहीं देता और कल जब आप अपडेट किया तो डाउनलोड वीडियो भी चले गए मेरा ऐसा क्यों हुआ चेक एक बार इसमें देख लेते हैं अपडेट में हो जाता है ऊपर नीचे कुछ नए चेंजेस आते हैं ना तो उस वजह से थोड़ा सा रहता है तो उसमें देख लेंगे हम आवा कहते हैं राधे राधे गुरु जी राधे राधे जी जैन सर सर वन गुड न्यूज है अच्छा मेरा बी का रिजल्ट आ गया फर्स्ट डिविजन में पास हुई तालियां इस लड़की के लिए बहुत बढ़िया मिठाई भिजवा बेटा एड्रेस है 64 माल रोड नगर नगर मेट्रो गेट नंबर ठीक तो इनका रिजल्ट आ गया आपसे पढ़कर पैरोगी अच्छी होगी धन्यवाद डिवीजन बहुत अच्छी बन गई है बहुत सारा थैंक यू हमारी प्यारी से अध्ययन मंत्रा टीम को सभी टीचर को कोई बात सारा अच्छा एक चीज और बता दू जैसे ये है ना तुम लोग जब इस पेपर को दे रहे होंगे ना तो इसमें ना तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुमने कैसे गलती कर दी ये जो टेंथ है ना और जो ट्वेल्थ है इसमें तुम मौज मस्ती जो कर रहे थे उस मौज मस्ती के चक्कर में तुमने क्या जिंदगी का खो दिया इसके बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको इस ये वीडियो जो सुपर टेट वाली होगी बड़ी खास होगी हाँ तो उसके बाद आभाजी धन्यवाद आपका बस ऐसे ही पढ़ते रहेगा बच्चे आगे बढ़ते रहो जितना तुम आगे बढ़ोगे उतनी खुशी मिलेगी बच्चा पार्टी में अलीशा शर्मा कहती है गुड इवनिंग सर सर जी मैं योर ऑनलाइन पोर्टल केवीएस और यू पी स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर ऑल थिंग्स दैट यू ऑलवेज डू फॉर अस सर मुझे कुछ बोलना है बट आप प्लीज गुस्सा मत हो ना देख मेरा चेहरा कितना मासूम सा चेहरा है मेरा कभी गुस्सा करा मैंने आज तक अच्छा तुम लोग ये बताओ मैं गुस्सा करता हूँ हाँ या ना में जवाब दो बताओ तुम लोग सारे बताओ मैं गुस्सा करता हूँ भाई कभी देना जरा जवाब हाया नाम में ना नाम जवाब दो मैंने गुस्सा किया आज तक तुम लोगों पर कभी इतना तो सीधा बालक में कभी गुस्सा नहीं करता तुम लोगों पे, फिर भी तुम ऐसी बात करते हो मेरे लिए हाँ भाई हाय नाम बताओ मासूम देखो सर हमें मौज मस्ती नहीं करे बा हाँ गलती से बेटा किसी ने हाँ लिख दिया ना वहीं से निकल कर मारूंगा ध्यान रखना हाँ ये वाली बात ध्यान रखना किसी ने भी अगर बोल दिया कि सर जी हाँ गुस्सा करते हो आप चलो बेटा एक बात और है क्योंकि तुम्हें पता है अगर जय हिंद कहते हैं तो उसका कुछ मतलब भी है तू गया भाई लड़के इस पे आएगा तो जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए एक चीज बता दू आप में से जितने भी हैं जिनकी एज है बेटा ट्वेंटी सेवन तो ये जो बैच होगा ना ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की वैकेंसी आई है और आईबी की वैकेंसी आई तो फिलहाल जो भी वैकेंसी आती है और आप लोग इतना कुछ पढ़ते हैं है ना तो आप लोग इतना कुछ पढ़ते हैं तो अगर इसे पढ़ लेंगे तो ये एक बैच होगा और सुन लो जरा ये जो बैच होगा ये आपके लिए बैच आ रहा है एंट्रेंस विजार्ड ये हमारा ना ऐप है एंट्रेंस विजार्ड तो ई एन टी आर ए एन सी ई डब्ल्यू आई जेड ए आर डी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी का ऑफिसर रैंक की जॉब होती है बढ़िया जॉब है मतलब आप लोग जो पढ़ते हैं जब तक टीचिंग में नहीं आती तो 2000 प्लस इसमें वैकेंसी है इसके बारे में डिटेल आपको जल्दी मिल जाएंगी तो आप लोग जितने भी लोग हैं तो मैंने कहता हूं देश के नाम है तो देश के नाम जो चीज आती है वो सीरियस वाली आ जाती है और यहाँ इसीलिए जब जितने भी लोग हैं फिलहाल और जो भी हैं तो आप में से चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां गर्ल्स बॉयज जो भी हैं वो बेटा फटाफट इस फॉर्म आ चुका है इसकी डेट भी मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा लेकिन आप सोचेंगे सर जी यार इसका तो पेपर बड़ा महंगा आएगा पेपर महंगा मतलब कोचिंग महंगी आएगी देखो अपना काम टीचिंग में तो बैच है भाई वो रोजी रोटी है तो करना भैया झूठ क्या बोलना उसमें लेकिन बेटा याद रखना जो भी आई का देखना चाहते हैं तो ये अध्ययन मंत्र और एंट्रेंस विजार्ड का फिर से एक इनिशिएटिव है देश के नाम और ये पूरा का पूरा जो बैच होगा ये क्या होगा फ्री होगा और उसमें जो आपको फैकल्टी है वो भी कुछ एडिशनल फैकल्टी मिलेंगी तो ये एंट्रेंस विज़ार्ड पे मिलेगा आपको पूरा का पूरा बैच और जितने भी हैं ये सोच के भरिएगा कि आप एक एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो इससे बढ़िया हिंदी इंग्लिश आपका रीजनिंग है जी है सारी कुछ है तो इसके बारे में डिटेल हम जल्दी दे देंगे आपको फिलहाल बस इतनी बात है कि एंट्रेंस विजार्ड और अध्ययन मंत्रा की टीम आपके लिए लेके आई है इंटेलिजेंस मैच का एक और बैच देश के नाम ये भी जो बैच होगा ये क्या होगा फ्री होगा और अगर तुम लड़कों में सत्ताईस साल से ज्यादा ना तुम्हारी उम्र हुई हो तो इसका मतलब बेटा फिल कर देना बाकी अगर ये उम्र निकल गई तो फिर गड़बड़ है तो ये वाला बैच भी क्या होगा फ्री आपके गाँव में आजू बाजू जहां भी है जो भी जाने वाले हैं तो जो भी पढ़ना चाहते हैं और इस बैच में फिल करना चाहते हैं एज क्राइटेरिया डिटेल जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगी मेरी हाँ ये बिल्कुल फ्री होगा बेटा कोई पैसा नहीं अरे पैसा है, ऐसा नहीं पैसा कम है पैसा जहां से आना वहां से आ जाता है कुछ नाम कुछ चीजों के लिए पैसा जरूरी नहीं होता और वो यहाँ जरूरी नहीं है तो इस बैच को हमने पूरी अध्ययन मंत्रा की टीम ने और एंट्रेंस विजार्ड की टीम ने ये बेटा फ्री बैच होगा बिल्कुल आप कहीं भी जाएंगे बहुत सारे लोग देखेंगे इसको पढ़ाते हुए कि आपके पास पेमेंट है कि नहीं है लेकिन याद रखेगा आप में से जितने भी अध्ययन मंत्रा के स्टूडेंट हैं या कुछ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ये मत सोचेगा कि आप टीचिंग में ही जाए जहाँ सीरियस बात है वहां मेरा चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है ना वो थोड़ा करना तो तो सीरियस, हाँ। सीरियस। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस बैच के साथ देखेंगे तो ये बैच फ्री होगा और आप लोग जितने भी हैं प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिएगा ताकि देखिए जिंदगी का कुछ नहीं पता कहा है और जो बड़ी प्यारी है बहुत बढ़िया है तो आप लोग प्लीज इस फॉर्म को भर लीजिएगा क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ तैयारी करते रहिएगा और इससे रिलेटेड जितनी भी क्लास हैं आपको एंट्रेंस एंट्रेंसार्ड के यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेंगी आप वहीं इन क्लासेस को पढ़ेंगे वहीं पर इसकी क्लासेस चलेंगी बाकी एंट्रेंस विजार्ड के ऐप पर इसका पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन हो चुका है वहां पर आपको ये वाला कोर्स भी देखने को मिल जाएगा क्लियर तो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन तो करते रहिएगा देश का नाम रोशन जस्ट लाइक सर है ना यो तो आप हमेशा बस जय हिंद जय भारत नमस्कार इसीलिए नहीं तो देश का नाम ऊंचा करने का ये बैच बिल्कुल फ्री होगा मतलब पैसा नहीं लिया जाएगा क्लियर है भाई चलो आओ फिर अपने संदेशों की तरफ बढ़ते हैं जो संदेश तुमने भेजे हैं कहाँ गया भाई संदेश यहाँ तो इस संदेश के बाद आपने पढ़ लिया भाई ठीक है बेटा कुछ नहीं गलत बोला माफ वाफ कोई दिक्कत नहीं लिशा सब कुछ बढ़िया ही है लतीका कहते हैं गुड इवनिंग सर जय हिंद सर आई वॉन्ट टू आस्क सर जब सब्जेक्ट कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो क्या सर उसके जो क्लासेस हमने डाउनलोड की है वहां से भी हट जाएगी एंड सर थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स देखिए लती का बेटा वैलिडिटी हमारे किसी भी कोर्स की नहीं है वैलिडिटी का मतलब है हमारा यहाँ हम वैलिडिटी से लेके चलते हैं मतलब कि आप लोग क्या करेंगे कि जब तक आपके पेपर नहीं होता चाहे उसमें एक साल लगे चाहे दो उसमें आपको वो सारी चीजें वहां पर क्या है तब तक मिलती रहेंगी ठीक और रही आई भी की उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी डिटेल कल या परसों में हम आपको पूरी पूरी दे देंगे क्या इसकी डिटेल है क्या क्या इसका नहीं है ठीक है तो यहाँ इसके बाद लती का तो उसमें जब तक आपका पेपर नहीं होगा बेटा तब तक वो वैलिड रहेगी गुड इवनिंग सर क्या आप

देखिए मुश्किल हर काम है और आसान बनाना आपका काम है तो जो भी काम आ रहा है मुश्किल है वो है उसे आप ये आसान बनाएंगे और किसी भी चीज को ये मान के चलना कि मुश्किल है फिर तो हर चीज है मुश्किल है मुश्किल क्या है सामने लिखा मैसेज पढ़ना मुश्किल है मुश्किल क्या है आलस आ रहा है यहाँ पे नाम लिखना मुश्किल है मुश्किल क्या है मुश्किल खाना सर है और बेटा जिसको जिसकी क्लास चाहिए वो वहीं मिल जाएगा जहां पर वो अभी है तो मैं किसी को ला नहीं सकता मैं किसी को भेज नहीं सकता तो ये कहना कि यू नीड फलाना डिमकाना मैं अपना कहता हूँ कि मैं जब हूँ तो मैं हूँ जो नहीं है उनके साथ आप देख सकते हैं और ये संसार दुनिया गोल है कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती है तो चेक करिएगा मिल जाएगा तो जहां जहां आपको देखना है वहां से देखिएगा जानवी ठाकुर कहते हैं कुछ समान की लड़की है तो ठीक है तो भाई कोई नहीं मुश्किल कुछ नहीं है मेरे बच्चे पढ़ते रहिएगा सब आसान है पल्लवी कहते हैं हेलो सर सर काइंडली आप जो भी टेस्ट कंडक्ट करें वो वीक डेज पर ही करो बिकॉज सैटरडे संडे वीकेंड की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हूँ अक्सर रिलेटिव और फ्रेंड्स घर पर आ जाते हैं उन्हें भी उन्हें ना भी नहीं कर पाती वाह पल्लवी हमारा तो कोई है ही नहीं जान पहचान का मेरे बेटे हम तो बेहे हैं सुबह आ जाते हैं तुम लोगों के सामने दस बजे रह जाते हैं देखो दस बजे रात में सो जाएंगे सुबह फिर आठ बजे आ जाएंगे सही है बेटा ऐसा कुछ नहीं पढ़ले पगली पढ़ जब देखी जाएगी जिंदगी में जब मेहमान मेहमान आएंगे ना तो यही कहते रहेगी कि अरे यूट्यूब पे पढ़ रही थी कुछ हुआ कि नहीं हुआ फिर बोले कि ना हुआ फिर उनसे ही बोलना कि एकदम क्योंकि उस दिन तो तुम टपक गए थे आगे आज तुम आए नहीं है ना तो ना ऐसा कुछ नहीं है भाई दिन साथ ही होते हैं उसी में देखना होता है क्या होगा क्या नहीं है ना अक्षर गुप्ता कहता है गुड इवनिंग सर सर कहना ये था कि मैं दोपहर की क्लास नहीं ले पाता हूँ समय के अभाव के कारण क्योंकि मुझे घर को भी देखना पड़ता है लेकिन बाद में जरूर देखता हूँ इसी समय के अभाव के कारण मैं पीपी टाइम नहीं बना पाता हूँ भगवान आप और आपकी टीम को खुश रखे लव यू भाई लव यू टू भाई है ना सब की अपनी परेशानी है भाई अब तो देखो टाइम निकालना तो मैं खुद ही पड़ेगा दो तो सी पेपर का उज्जवल से ना सारे पेपर चलते हैं भाई एक ही मैसेज को करके तुमने तो मेरे को ऐसा लग रहा है यूट्यूब पे यही चल रहा है बस मेरा हाँ देखे अगला मैसेज किसका है सर में सीडीओ कि आपके दो क्लास अच्छा सीडीपी दो क्लास है बाल विकास मैराथन पर एक और पैडागोजी बेटा बाल विकास मैराथन जो है वो स्पेशल क्लास है एस टेट और यूपी टेट के हिसाब से बाकी जो क्लास है शाम में जो पैडागोजी प्रकाश है उसे देखना मत भूलना वो आपकी लाइट लेके आएगा ठीक से के बाद आर एस दरेवाल कहते हैं गुड इवनिंग सर प्लीज एप पर एस्टेट की मैराथन क्लास लाओ यहाँ बेटा कल से हो गया शुरू याद रखिएगा आपके शेड्यूल में आ गया होगा आकाश जी ने लगा दिया होगा कल आपको हिंदी की भी दो घंटे की क्लास है उसके बाद मैथ की भी है उसके बाद एप में कल एसटेट और एम बी टेट की जो क्लासेज है वो दो दो घंटे की है और वो शेड्यूल पूरे उसमें मिलेगा आपको मतलब पूरे वीक ऐसे ही चलेगा लगातार देख लीजिएगा ठीक बच्चे वहां पर आ गया स्वीटी सिंह कहते हैं गुड इवनिंग सर सर मेरी क्वेरी थी यूपी जी टी बायो की क्लास के लिए बहुत आपके मैसेज पढ़ने से पहले वीडियो आ गया आपका अब कोई क्वेश्चन नहीं है थैंक यू सो मच ओके जी धन्यवाद पीहू कुमारी कहते हैं हेलो सर मैं रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हो मेरे बी एड सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं सीडी में आपने तीन बजे वाले बैच में ऑलमोस्ट कवर करा दिया आपकी बाकी सब नहीं हो पा रहा बेटा उसे सारी क्लास में देख मिक्सचर पैटागोजी में बाकी पैटागोजी करा देता हूँ ये और एवीएस के जो इंटरव्यू है वो इकतीस तारीख के बाद शुरू करेंगे भाई फिलहाल एकदम इतना शेड्यूल भी कसम से तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ है ना खाने का भी टाइम नहीं मिलता पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है ना उसके बाद आ, ओनर ऑफ नर्स लोग कहते हैं थैंक यू सो मच अभी तबियत ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे हाँ उसके बाद तो महाभारत लिख देना लड़की तेरे को यहाँ पर ओए होए कोई बात नहीं तबियत ठीक कर बेटा तबियत खराब टेक केयर देखो आपका आंसर टेक केयर तुम सही दोस्त बन गए एक दूसरे के सर जी सेल देखी थी तब रुपया अरेन्ज नहीं कर पाए थे जैसे ही हुए तब तक आपने बढ़ा दिए ओहो ये तो बहुत गड़बड़ कर दी साले नहीं आप बेटा मेल कर देना आप पे ध्यान दिया जाएगा गीता धीरज कहते हैं प्यार भरा नमस्कार एस्टेट मैराथन के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद धन्यवाद मेरे बच्चे शिवारंजानी हेलो जैन सर We are so lucky to have such an amazing and creative mentor, sir. You have. What Prakash in the life of many people, but sir, it is very important as well as take care of yourself. I really don't do not understand how would you manage working so hard day and night. Amazing AMT, very dedicated and hardworking. Thank you so much. बेटा जब मजबूरी आती है ना अपना भी पता चल जाता है कैसे कैसे टाइम निकालते हैं एक दो दिन में फिर छुट्टी कर लेंगे आराम कर लेंगे फिर आ जाएंगे आ सर आप आइए मिलने एम पी में बहुत जल्दी आ रहा हूँ बेटा एकदम समझ लो बहुत जल्दी जल्दी पहुँचेंगे इनके रिप्लाई किस किसने कर दी है इट्स वेरी ट्रू धन्यवाद धन्यवाद एम होम साइंस इंडिया हेलो सर मैंने आपका डी एस एस बी टीजी टी ऑफलाइन कोर्स लिया है जिसके बाद धनम्रा कनेक्टेड ऐप पर ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरा आपसे निवेदन है कि ऐप पर वीडियो डेट वाइज अरेंज करा दीजिएगा ओके दोस्त ये भी कर देंगे भाई तुम्हारे लिए रोहित कुमार मेरे नाम पर कहते हैं हेलो रोहित सर गुड इवनिंग सी डी पी तो ठीक है लेकिन सर इंग्लिश पैडागोजी में प्रॉब्लम हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें हो जाएगा वो भी यार क्यों चिंता करते हो क्यों वर्थ चिंता करते हो क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे है ना है ना सब कुछ यहीं रखा था यहीं रह जाएगा

जैन सर आई एम न्यू स्टूडेंट कभी नहीं लेते तो हैं है। है, ले तो है है तो मजाक पसंद नहीं की जाती आज के दिन को छोड़ गए है ना तो नए बच्चे को रूल समझाने होते हैं ना ये वाली बात ये न्यू स्टूडेंट हमने पहले कभी नहीं देखी नाम तो सुना भी नहीं है कौन है बहन हाँ हमें भी नहीं पता सेम यार शिवर देखो एक के पीछे लग गए फिर तुम सारे सर प्लीज मैथ पेडाकोजी का एक सेशन बेटा लेके आता हूँ जल्दी रीट की डेट अनाउंस हो गई उसके लिए बट नया बैच आएगा पच्चीस तारीख के आसपास आएगा उसमें आप देख लीजिएगा थैंक यू सर कंटिन्यू क्लास में रहे आज पूरा दिन मजा आया पूनम धन्यवाद पूनम आपका संगम शर्मा कहते हैं थैंक यू सर आपकी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद आपका भी यूट्यूब कम्युनिटी में प्लीज शेड्यूल डेली डाल दीजिएगा ओके मैम मधु साहू जी बिल्कुल डाल देंगे गुड इवनिंग सर यू एंड योर टीम वेरी गुड है बहुत बहुत शुक्रिया सभी के लिए धन्यवाद आपका भी पारुल कहते हैं आपका इस बार पास हो जाए अगली बार आप ये गए गुड इवनिंग सर क्या आपके अनुसार अभी के टाइम ओ हो भाई ले भाई ले भाई और बोल साहु साहब ये लो भाई सही में ये तो सही बोल रही थी पाँच छह बार लगती सर सी के एग्जाम के बाद रीट की सीरीज हाँ जी बेटा बिल्कुल लेके आएंगे गुड इवनिंग सर पोर्टल पर लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं होती मेरी बेटा एक बार अपडेट कर लेना मिल जाएगा कीर्ति कहते हैं गुड इवनिंग सर आई एम कीर्ति परचेज सी सेकंड पेपर साइंस एंड बट यस्टरडे ऑल ऑफ माय वीडियोस डिलीट फॉर माय अकाउंट प्लीज रिजोल्व दिस मैटर ओके मतलब मेरे को लग रहा अपडेट के बाद शायद कुछ इशू आया तुम लोगों के साथ है ना तो उसे देख लेंगे एक बार क्या इशू है फिर मैं आपको बता देता हूँ गुड इवनिंग सर मॉर्निंग आठ बजे की जो थ्योरी क्लास है प्लीज दोपहर तीन बजे के साथ एक्सचेंज कर लीजिएगा सुबह हर ट्यूशन रहते हैं क्लास नहीं कर पाऊंगी थ्योरी का थैंक यू ओके रिया हेलो सर हवा मैं एकदम बढ़िया हूँ यूपी पी जी टी वैकेंसी और सुपर टेट की वैकेंसी में क्या डिफरेंस होता है बेटा एक प्राइमरी लेवल पर है एक टीजी टी और पीजीटी लेवल पर है सर प्लीज सी टेट पेपर टू के कोर्स में साइंस पैडाकोजी ओए होए सारे चेक करके देखते हो तुम कल ही लो क्लास परसों सॉरी गुड इवनिंग सर एस्टेट मैराथन के लिए थैंक यू सर सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दीजिएगा रिवाइज कराने के लिए करा दूंगा बेटा गुड इवनिंग सर स्पेशल सी टेट का साइंस करवा दीजिएगा ओके जी प्रणाम सर है थैंक यू सो मच अध्ययन मंत्रा की टीम को आगे एम एड करना ठीक हो भाई पढ़ाई में दोनों कुछ ही कर लो एम एजुकेशन कर लोगे और भी ज्यादा है है ना और क्या होगा हम्म उसके बाद क्या है सर थैंक यू फॉर क्लास धन्यवाद वंदना कहती है हेलो सर जय हिंद हम यूपी में कॉमर्स की स्टूडेंट प्लीज बताइए कि क्लास ऐसे ही रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइव बेटा पहले रिकॉर्डेड होगी उसके बाद लाइव होगी निकिता थैंक यू फॉर ऑसम मैराथन धन्यवाद आज का संडे स्टेपल हो स्पेशल हो, हो गया धन्यवाद डी एस की वैकेंसी की कोई खबर नहीं है जब आएगा जरूर बताएंगे एम टीम, एम टीम जो है, वो पूरी सुपर है पूजा सिंह कहती हैं ग्रेट कहती है एकता सिंह बागवान सबत कहते हैं गुड इवनिंग सर नवोदय विद्यालय प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बेटा उसमें एक तो आपका वो होना चाहिए क्या बोलते हैं किसी न किसी स्कूल में आपने उस चीज़ पे उस हेड के रूप में काम किया होगा और बहुत सारी हैं उसके नोटिफिकेशन में आप वहीं देखेंगे मैं फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ विद बी एड ऑल्सो सीटेड पेपर टू क्वालिफाई बट मेरा टी जी टी मैथ के लिए कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा आ, सागर बेटा एक बार दिखाना मेल करना मैं चेक करूँगा तो बताता हूँ देवी कहते हैं सर यू आर रियली जेनअन हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड एडमायर यूर जील इन जस्ट जस्ट गिविंग अस द बेस्ट आई विश वुड हैव अ ब्रोदर लाइक यू लॉर्ड्स ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट ए विश की क्या जरूरत है इतना बड़ा भाई तुम्हारे सामने खड़ा फिर भी विश कर रही है पगली और क्या लेगी बेटा देवी सामने ही तो है चिंता कर रही है पगली सी प्लेटफॉर्म मिला है स्टडी के लिए थैंक यू सो so मच धन्यवाद प्रिया जी आपका भी श्रुति सर कुछ ज्यादा ही मैसेज नहीं कर इवनिंग सर सारे दो तीन हफ्ते की कसर पूरी कर लेते यार तुम लोग गुड इवनिंग सर थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर सर आपका टीचिंग स्टाइल सबसे बढ़िया बेस्ट टीचर धन्यवाद जी आपका

उसके बाद निगम का आ गया जय हिंद द वे यू यू टीच द द नॉलेज शेयर केयर यू टेक द लव यू श्योर मेक्स अस द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग धन्यवाद आपका निगम जी बहुत बहुत ए चौधरी कहते हैं गुड इवनिंग सर पहले तो आपको बिग थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क यू आर द इंस्पिरेशन सर प्लीज के वी एस की वैकेंसी कोई न्यू अपडेट प्रोवाइड कीजिएगा इट विल बी ग्रेट मोटिवेशन फॉर डिप्रेस स्टूडेंट्स एंड प्लीज मेक ए डिटेल वीडियो ऑन प्रिपरेशन ऑफ के वी एस जी कोशिश करेंगे जल्दी आते ही खबर भी दे, दे देंगे आपको खुशबू यादव कहती है नोट क्वेश्चन ओनली थैंक यू थैंक यू आगान कहती है थैंक यू सो मच मैराथन के लिए थैंक यू टू यू तोरल कहते हैं गुड इवनिंग सर लॉर्ड्स ऑफ लव फॉर समथिंग सर जी वी वांट टू कंप्लेनिंग अबाउट यू टू योर मोम वी आल्सो वांट टेक इंटरव्यू ऑफ लकी सर एंड रोहित सर व्हेन वी अराइव आई ऑफ थैंक हो धन्यवाद धन्यवाद आगे कनुप्रिया का लास्ट मैसेज है गुड इवनिंग रोहित सर प्लीज पूरा मैसेज रीड करना सर प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ यू हैव सम समॉर्मेशन रिगार्डिंग मी मैंने इस साल एन सी डब्ल्यू ई बी बी ए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो सर आप बताएंगे क्या इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है दस ईयर कौन से राइटर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और मेरे बच्चे एक बार पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है सेमेस्टर सिस्टम में बता दिया आपको हिमलता ने बुक्स आपके टीचर सजेस्ट करें वही कर लीजिएगा और एसओएल की साइट पर है तो ये जानकारी और इसी के साथ विजय प्राप्त की मैंने आज आपके मैसेजों पर तो देखो कितना विजय प्राप्त करने के बाद आज के मैसेज हो गए आपके खत्म तो ये था आपका आज का ज्ञान और आपकी सूचना और आपके संदेश जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर आप कुछ कहना चाहते हैं हम सीटेट वाला टेस्ट तो पता है मेरे बालकों को, को। हाँ बिल्कुल पता है हमारे बच्चों को तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है प्लीज क्लियर माई डाउट अबाउट मैक्सिम एग्जाम फॉर फीमेल प्रीति आहूजा अरोडा जी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी बहुत जल्दी आप बने रहिएगा धनबंतरा के साथ सर साहिबा का मैसेज भाई यहाँ नहीं मिला मेरे को जितने मैसेज थे यही थे देख लो मैंने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करी बस एक दो के लाइक करना भूला हूँ उससे ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है शीतल से शुरू करा था वहीं पे खत्म हो गया हाँ बट नेवर रिप्लाई टू मी प्रीति आहूजा ऐसा ना कर मेरे बच्चे एक घंटा हो गया बोलते हुए मेरे को है ना हाँ ठीक मेरा मैसेज क्यों नहीं आ रहा जिनके मैसेज ये थे मैंने सबके मैसेज पढ़ दिए जिन जिन के मैसेज थे सबके आ चुके अगर किसी का मैसेज नहीं आया तो उन्होंने बाद में मैसेज किया होगा ये हो सकता है सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ बता दीजिएगा कौन है भाई न्यू स्टूडेंट सुपर टेट के बारे में मैंने बता दे बेटा वो आपको मिल ही जाएगा प्लीज टेल अबाउट सुपर टेट के बारे में परसों पूर्ण जानकारी मिलेगी उसके बारे में आप सब्र करिएगा अच्छे से जल्दबाजी की जानकारी मैंने कहा था ज्ञान अधूरा सत्यानाश पूरा तो समझा करो साइबा तेरा बेटा मेरे को लग रहा आना बंद हो गया अब यहां आता नहीं। और रिफ्रेश कर दिया तो मुझसे पढ़े ना जाएंगे ये देखो वन ट्वेंटी फोर अब इसके बीच में कहीं घुस गया होगा तुम्हारा मैसेज तो मेरे को पता नहीं वैसे मेरे को लग ये साहिबा का भी मैसेज पकड़ गया हेलो गुड इवनिंग सर आई फील ग्रेटफुल टू टीचर लाइक यू फीलिंग ब्लेस सर आई ओन लिटरली थैंक यू

बट अभी ठीक है पापा चलो ये बढ़िया कहा पापा जी ठीक है ये बढ़िया है ना तो ये है भाई हाँ लिटिल नॉलेज डेंजरस बिल्कुल सही बात है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कल सुबह फिर आपके साथ मिलेंगे कल सुबह फिर आपके साथ मिलेंगे कहां पर यहीं पर और कहाँ जाएंगे पानी ले लो गुड आपके भी आज ठंडे होंगे ना ना अभी तो गाता है होठ तो इसमें ठंडे वंडे का कोई चक्कर नहीं है ठीक है चलो भाई बाल को आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच ये था संडे सात एपिसोड नंबर क्या था वो जानता नहीं मैं क्योंकि अपन एपिसोड एपिसोड कभी इसके गिनने नहीं है ये सीधी क्लास की जानकारी आपसे वार्तालाप थी मिलेंगे आपसे नई क्लास में कल सुबह आठ बजे रेडी रहिएगा कोलबर की थ्योरी के साथ जय हिंद जय भारत नमस्कार खुश रहिए मुस्कुराते रहिए